नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30,000 के अंदर भारत में जो है वो कौन कौन से DSLR कैमरा अवेलेबल हैं। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ DSLR की जो बॉडी है उसी की बात की जाए, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इनिशियली जब आदमी पहली बार DSLR ख़रीदता है तो उसके साथ हमेशा एक किट लेंस तो लेता ही है। तो इस वीडियो में मैंने जो है वो एक जो बेसिक साथ में जो किट लेंस आता है उसके साथ में जो है वो कौन सा कैमरा 30,000 के अंदर अंदर ख़रीदा जा सकता है। तो आइए समझते हैं। बिगिनर्स रेंज जो कि बेसिक रेंज है उसमें कैनन के 2 कैमरा हैं और निकॉन के 3 कैमरा जो कि 30,000 के अंदर अंदर आते हैं अपने किट लेंस के साथ। कैनन के जो 2 कैमरा हैं उनमें पहला कैमरा है कैनन 1200D, यानी 1200D। 1200D जो है वो 18 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये 2014 में लॉन्च हुआ था। और कैनन जो है वो अपने इन 2 बेसिक कैमरा में जो है वो उसने मेगापिक्सल की रेंज 18 ही रखी है और उनका ISO जो है वो मैक्सिमम सिर्फ 6400 तक जाता है। तो ये है कैनन 1200D। दूसरा जो कैनन का जो कैमरा है जो 30,000 के अंदर अंदर आता है वो है कैनन 1300D। कैनन 1300D जो है उसने रिप्लेस किया है कैनन 1200D को, और ये भी 18 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसका भी ISO जो है वो 6400 तक जाता है। और ये जो है 2016 में कैनन ने लॉन्च किया था, जिसने जो है कैनन 1200D को रिप्लेस किया है। कैनन 1200D जो है वो अमेज़ॉन पे अभी भी बेस्ट सेलिंग है, और 1300D जो है वो उसके बाद में आया है तो अभी इतना सेल नहीं हुआ है। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो कैनन 1200D का जो प्राइस है वो उसके 2 किट लेंस साथ में आते हैं 1855 और 55-250mm। उन दोनों किट लेंस के साथ में जो है वो 25,000 का कैमरा है। तो 2 किट लेंस के साथ जो है सबसे सस्ता कैमरा अगर आपको चाहिए तो वो है कैनन 1200D। कैनन 1300D जो है वो अपने 1855mm वाला जो लेंस है उसके साथ अगर आप खरीदें सिर्फ एक के साथ तो आपको लगभग 22,500 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ दोनों किट लेंस लेना चाहते हैं, यानी 1855 और 55-250, तो वो लगभग आपको 29,500 का पड़ेगा। तो ये थे कैनन के 2 कैमरा जो अपने किट लेंस के साथ 30,000 से कम में आते हैं। अब बात करते हैं निकॉन के 3 कैमरा हैं जो 30,000 से कम की रेंज में आते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कैमरा है वो है निकॉन का D5200। 5200 जो है वो थोड़ा सा जो है पुराना कैमरा है, 2013 में रिलीज़ हुआ है। और ये कैमरा जो है ये बिगिनर सीरीज़ का नहीं है, ये कैमरा जो है वो बिगिनर से थोड़ा सा हायर, यानी कि जिसे आप इंटरमीडिएट सीरीज़ बोल सकते हैं या बिगिनर और इंटरमीडिएट के बीच में जो है ये कैमरा आता है। तो ये D5200 जो कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2013 में लॉन्च हुआ है और इसका ISO जो है वो 25,600 तक जाता है। तो कैनन के हम जो तीनों जो कैमरा बात करेंगे तीनों ही 24 मेगापिक्सल के हैं और तीनों का ही ISO जो है वो काफ़ी हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू कैनन। तो ये 25,600 तक ISO इसका जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो है निकॉन का 3300। ये 3300 जो है वो 2014 में निकॉन ने रिलीज़ किया था और इसने जो है वो निकॉन के D3200 को रिप्लेस किया है। इसके बाद में जो है वो 2016 में इसी को ही हमारे तीसरे कैमरा ने, जो कि निकॉन का D3400 है, वो जो है वो भी 24 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसमें भी 25,600 का ISO है। अब इन निकॉन के तीनों कैमरा की प्राइस की बात करते हैं तो निकॉन का D5200 जो है वो आपको 28,500 में मिलेगा। निकॉन का D3300 जो है वो आपको 25,800 में मिलेगा। ये दोनों ही जो हैं वो अपने 1855 किट लेंस के साथ में हैं, और इसी तरह से जो है वो निकॉन 3400 जो है वो भी अपने किट लेंस के साथ, यानी 1855 के साथ आपको 29,000 का मिलेगा। तो ये बेसिक 5 कैमरा हैं जो बिगिनर्स के लिए, जो कि लगभग 20,000 से 30,000 की रेंज में जो है सभी अच्छे कैमरा हैं।
अगर आप जो कैनन में या निकॉन में, दोनों में से इन पांच में से कोई भी आप कैमरा लें, बहुत ही बढ़िया कैमरा है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कैमरा आप कोई भी उठाइए, अच्छी कंपनी का, कैनन का, निकॉन का, सोनी का या पेंटेक्स का, सबसे इम्पोर्टेंट है उसके साथ में जो आप लेंस लेते हैं, लेंस थोड़ा अच्छा लेंस लीजिए। अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैरिज फ़ोटोग्राफी है, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी है, नाइट फ़ोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी है, तो हर कंडीशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा जो है वो सोच के और कैमरा और लेंस लेना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको जो है मदद मिली होगी ये समझने में कि कौन कौन से जो है वो कैमरा है इंडिया में 30,000 से कम की रेंज में। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।